छठे चरण में चीजें नजर आ रही है, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शतर गिरने वाला है। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो 6ठे चरण में चीजें नजर आ रही है, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है। दे दीजिए भाई, उनको दे दीजिए, जो बच्चों के पास तस्वीरें हैं दे दीजिए। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई, ये वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए।